हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं टीम इंडिया के सिलेक्शन की। क्या भारतीय सेलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप के लिहाज से एक परफेक्ट टीम चुनी है? क्या ये टीम भारत को वर्ल्ड कप में जीत दिला सकती है? इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टीम इंडिया के सिलेक्शन की। कल रात 9 बजे बीसीसीआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह और चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने शिरकत की थी। इसमें चेतन शर्मा ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत सारे सवालों के स्ट्रेट जवाब देने से वो बचे भी। मसलन जैसे उन्होंने बताया कि रविचंद्रन अश्विन का सिलेक्शन इसलिए किया गया है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस आईपीएल में बेहद शानदार रहा है, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने इंडिया के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट काफी सालों से नहीं खेली है। लेकिन वो इस सवाल का जवाब साफ तौर पर नहीं दे पाए कि अगर आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे रविचंद्रन अश्विन का सिलेक्शन किया गया तो फिर यूसी चहल को टीम से बाहर क्यों रखा गया? आईपीएल में तो उनका परफॉर्मेंस भी शानदार था और साथ ही साथ यूएई में जो आईपीएल खेला गया था पिछले साल, उसमें भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। खैर दोस्तों, हम टीम इंडिया पर एक नजर डाल लेते हैं। और टीम इंडिया पर अगर आप गौर से नजर डालेंगे तो इसमें टॉप ऑर्डर तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अभी भी काफी वीकनेस है। और ये वीकनेस कई बार एक्सपोज हो चुकी है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि एक 50 ओवर टूर्नामेंट था, और 2019 का वर्ल्ड कप, जो एक 50 ओवर टूर्नामेंट था, व्हाइट बॉल क्रिकेट था, उसमें हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया था। क्या यहां भी सेलेक्टर्स ने वही गलती की है, मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया है? क्या वहां पर एक एक्सपीरियंस बैट या एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन को लाया जा सकता था, या सिर्फ हार्ड हिटर से हमारा काम चलने वाला है? दोस्तों अगर आप टॉप ऑर्डर को देखें तो रोहित शर्मा और केएल राहुल ये ओपन करते हुए नजर आएंगे, और फिर विराट कोहली आएंगे नंबर 3 पर। नंबर 4 पर हैं सूर्य कुमार यादव, जिनकी हाल की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव का आप करियर देखें तो उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा अनुभव नहीं है। ये बात सही है कि सूर्य कुमार यादव की हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है, चाहे मुंबई इंडियंस के लिए रही हो, चाहे फिर टीम इंडिया के लिए रही हो। लेकिन नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव का अगर आप टोटल एक्सपीरियंस देखेंगे दोस्तों, तो वो इतना नहीं है जितना कि हम मिडिल ऑर्डर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन होना बिल्कुल लाजमी था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी। अब आते हैं नंबर 5 और नंबर 6 पर। नंबर 5 पे आपके पास है ऋषभ पंत और नंबर 6 पर है आपके पास हार्दिक पांड्या। सबसे पहले बात हार्दिक पांड्या की करते हैं। हार्दिक पांड्या का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। इंजरी से वापस आने के बाद हार्दिक पांड्या जो है वो उस तरीके की शॉट्स नहीं खेल पाए, या उस तरीके की उनकी बल्लेबाजी नहीं रही है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या श्रीलंका दौरे पर पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहे थे। वहीं अगर बात ऋषभ पंत की भी की जाए तो ऋषभ पंत को टीम मैनेजमेंट की तरफ से एक लाइसेंस मिला हुआ है कि वो जाते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, और ऐसा ही ऋषभ पंत अपनी बल्लेबाजी में दिखाते भी हैं। अब इन दो खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करना ये भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 7 रविंद्र जडेजा की। जडेजा इज एन ऑलराउंडर, टीम में शामिल है दोस्तों, लेकिन रविंद्र जडेजा जब बल्लेबाजी करने आते तब ओवर्स बहुत कम बचे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले आईपीएल में और इस आईपीएल में भी उन्होंने अपनी हिटिंग एबिलिटीज को काफी डेवलप किया है, और हर्षल पटेल के खिलाफ जो उनकी बल्लेबाजी थी वो तो आपने देखी ही होगी। तो एक हिटर के तौर पर हम कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा एक कामयाब खिलाड़ी हैं, और नंबर 7 पर शायद उनकी पोजीशन बनती ही थी। लेकिन अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक परफेक्ट बैट्समैन या एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में रखा जा सकता था, या फिर 15 की स्क्वाड में रखा जा सकता था? मैं बात श्रेयस अय्यर की कर रहा हूं। क्या श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी इस स्क्वाड में फिट बैठ सकता था? कम से कम 15 में तो दोस्तों उनकी जगह बनती ही थी जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है। ये बात सही है कि इंजरी से उन्होंने वापसी की है और क्रिकेट कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन उनके पास इतना टाइम है कि वो आईपीएल में कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेल सकते हैं। दूसरी चीज, जब आपने लेफ्ट आर्म बोलर के तौर पर, लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर रविंद्र जडेजा को टीम में रखा था, फिर अक्षर पटेल का चयन समझ में नहीं आता है। अक्षर पटेल की जगह अगर आप किसी और स्पिनर को ले सकते थे तो शायद वो यूजी चहल भी हो सकते थे, कुलदीप यादव भी हो सकते थे। इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को वहां पर चांस दिया जा सकता था, बट सेलेक्टर्स ने ऐसा नहीं किया। लेफ्ट आर्म स्पिनर और उनकी जगह वैसा ही एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने टीम में शामिल कर लिया, तो इस बॉलिंग अटैक में या इस टीम में वो वैरायटी नजर नहीं आ रही है जो कि सेलेक्टर्स कर सकते थे। टीम में दो ऑफ स्पिनर्स को भी जगह दी गई है, यानी कि रविचंद्रन अश्विन के साथ वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का कहना है कि वरुण चक्रवर्ती ऑफ स्पिनर नहीं है, वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन फिर भी उनकी जो गेंदबाजी है शायद उसे ऑफ स्पिन ही कहा जाता है। तो ये वैरायटी जो है टीम के अंदर नजर नहीं आ रही है। 5 स्पिनर, 4 बोलर्स, और उसमें भी एक रिजर्व खिलाड़ी जो आपने रखा है वो है शार्दुल ठाकुर, जिनकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड में बड़ी शानदार रही है। ऐसे में अगर अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर को चांस दिया जाता तो दोस्तों बेहतर रहता, एक ऑलराउंडर का विकल्प आपको मिल जाता। हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी नहीं करेंगे तो, वैसे तो कहा जा रहा है कि वो गेंदबाजी करेंगे, लेकिन आपके पास एक बैकअप तैयार होता। अच्छा होता रविंद्र जडेजा के बैकअप से पहले हार्दिक पांड्या के बैकअप को तरजीह दी जाती।
वहीं दोस्तों अगर बात की जाए ईशान किशन की, ईशान किशन को तो 15 में रखा गया लेकिन श्रेयस अय्यर को डाल दिया गया रिजर्व में। अगर श्रेयस अय्यर को 15 में रखा जाता और ईशान किशन को रिजर्व में डाला जाता तो बेहतर विकल्प होता, क्योंकि एज ए विकेट कीपर आपके पास केएल राहुल पहले से ही तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, ओपनिंग की जिम्मेदारी भी वो उठा सकते हैं, यहां तक कि ऋषभ पंत को भी एज एन ओपनर बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर टीम कॉम्पोजिशन को देखा जाए तो टीम काफी अच्छी है, लेकिन एक दो चेंजेस अगर और कर लिए होते तो ये टीम 10 आउट ऑफ 10 भी हो सकती थी। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।